हमारे भारतीय समाज में पूजा करना बहुत ही शुभ माना जाता है और आपने देखा ही होगा कि लोग कोई भी शुभ काम करते हैं तो उसमें कलश जरूर बैठाते हैं, फिर चाहे वो शुभ काम शादी विवाह हो या भगवान की पूजा हो। आपको बता दें कि गृह प्रवेश हो, नए कारोबार की शुरुआत करनी हो, कलश बैठाए बिना काम शुभ नहीं होता है। बता दें कि कलश धातु के बर्तन का या मिट्टी के बर्तन का हो सकता है, लेकिन हर कलश के ऊपर एक कच्चा नारियल जरूर होता है जो कि लाल रंग के कपड़े में लिपटा होता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि कलश के ऊपर नारियल क्यों रखा जाता है और नारियल रखने के फायदे हैं या नुकसान? हम नुकसान की बात इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कलश पर रखा नारियल कई बार एक छोटी सी गलती से आपके लिए धन स्वास्थ्य की हानि के साथ दुख का कारण भी हो सकता है। लेकिन कलश पर नारियल रखने के नियम का ध्यान रखेंगे तो यह आपके लिए हर तरह से शुभ और लाभदायक रहेगा। बता दें कि शास्त्रों में कलश पर नारियल रखने के विषय में बताया गया है कि अधोमुखम शत्रु विवधारणाय उद्रवश्य वस्त्रम बहुरोग वृद्य प्राची मुखम वित विनाशनाय तस्तम मत शुभम सुमुख्यम नारिलश्य। यानी कलश पर नारियल रखते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नारियल का मुख नीचे की तरफ नहीं हो, क्योंकि नारियल का मुख नीचे होने से शत्रुओं की वृद्धि होती है। नारियल खड़ा रख करके रखते हैं और उसका मुंह ऊपर की ओर होता है तब रोग बढ़ता है, यानी घर में रखने वाले लोग अधिक बीमार होते हैं। कलश पर नारियल रखते समय अगर नारियल का मुख पूर्व दिशा की ओर होता है तो आर्थिक हानि होती है, मतलब धन की हानि के योग बनते रहते हैं। बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कलश स्थापना किसी भी शुभ काम को मंगलमय तरीके से पूरा करने के लिए किया जाता है, इसलिए कलश में सभी तीर्थों को आमंत्रित किया जाता है। आपको बता दें कि नारियल लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और इसलिए कलश के ऊपर नारियल रखते हैं, जिसका उद्देश्य ये होता है कि कलश में स्थित देवता और तीर्थ मंगलकारी हों और देवी लक्ष्मी की कृपा से उन्नति बनी रहे। लेकिन कलश स्थापना का ये उद्देश्य तभी सफल होता है जब कलश पर रखा हुआ नारियल का मुख पूजन करने वाला व्यक्ति की ओर हो। छिले हुए नारियल को आपने देखा होगा तो ये देखा होगा कि उसके सिर पर तीन काले बिंदु होते हैं और माना जाता है कि ये नारियल की आंख और मुख होते हैं, और नारियल का मुख उस दिशा में होता है जिधर से वो पेड़ से लगा होता है, और इसलिए लोगों को कलश बैठाते समय इस बातों का ध्यान रखना चाहिए क्योंकि ये उनके लिए लाभ प्राप्त हो सकते हैं। नेक्स्ट नाइन स्पिरिचुअल की रिपोर्ट।